अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सवाल पूछा गया कि रोज़े की हालत में अगर इंसान का पेशाब बंद हो जाए तो उसका क्या हुक्म है, क्योंकि अगर पेशाब बंद होता है तो जो डॉक्टर हजरात हैं वो मसाने में नलकी डालकर पेशाब कराते हैं मरीज़ को अगर पेशाब बंद हो जाता है। तो अगर रोज़े की हालत में रोज़ा रखा हुआ है, पेशाब बंद हो गया, तो अब आया इस तरीके से मसाने में नलकी डालकर जो पेशाब करवाया जाता है, इस तरह करने से रोज़ा फासिद होगा या रोज़ा बाकी रहेगा, रोज़े का क्या हुक्म है? तो मैं आपको इसका जवाब क्लियर करता हूँ। बात यह है कि इस तरीके से रोज़ा फासिद नहीं होता। इस तरीके से रोज़ा फासद इसलिए नहीं होता कि जो नलकी मसाने में डाली जाती है, मसाने और उज़्वे तनासुल का ताल्लुक जो है वो पेट से नहीं होता, तो लिहाजा ऐसा करने से रोज़ा जो है वो बिल्कुल फासद नहीं होगा, बल्कि रोज़ा बाकी रहेगा और मसाने में नलकी डालकर पेशाब मरीज़ को करवाना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और लाइक भी करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल कारी आबिद रहमान इस्लामिक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, बाद में आप उसको आराम से देख सकें। मुझे अपनी खुसूसी दुआओं के अंदर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।